Hello, bacho. Let's see this question. Identify the correct statement with reference to the transport of respiratory gases by blood. यहाँ पर दिया है hemoglobin is necessary for the transport of carbon dioxide and carbonic anhydrase is necessary for the transport of oxygen. तो ये statement incorrect हो जाता है. Oxygen का जो transport की जब हम बात करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं oxygen का transport two form में होता है. एक होता है dissolved in plasma, oxygen dissolved in प्लाज्मा, और दूसरा ट्रांसपोर्ट आप कैसे देखते हैं, किस फॉर्म में दूसरा ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो 1 to 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप ऐसे देखते हैं, और हीमोग्लोबिन की बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो 97 to 99% जो होता है आप इस तरीके से देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो रोल आता है ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का आप रोल देखते हैं जब आप बाइकार्बोनेट्स पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एस बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो वहां पर पढ़ते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट दिया है हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन नेसेसरी है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे ना हीमोग्लोबिन के हेल्प से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है. हीमोग्लोबिन है, आप O2 का ट्रांसपोर्ट टू फॉर्म में देख रहे हैं, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो 97 to 99% किस फॉर्म में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो आप देख रहे हैं ना कितना नेसेसरी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का रोल, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है ऑक्सीजन के लिए नेसेसरी है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए नेसेसरी है, क्योंकि आप क्या देखते हैं ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आप किस किस फॉर्म में देखते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ओके, और आप देखते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स, थर्ड आप देखते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में 23% जो ट्रांसपोर्ट देखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इस फॉर्म में देखा जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा. बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट सोडियम और पोटेशियम की बात हो रही है, इनके बाइकार्बोनेट्स की बात हो रही है, तो 70% जो होता है ना, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बोनिक एसिड, तो आप ये देखते हैं 7% 7% ऑफ CO2 गोज एज H2CO2. क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पर ये कहना करेक्ट हो जाएगा ना कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज नेसेसरी है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आप बाइकार्बोनेट के फॉर्म में देख रहे हैं, जो कि कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के वजह से पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, आप ज्यादा अमाउंट में इसे RBC के अंदर देखते हैं, लिटिल बिट अमाउंट इसका प्लाज्मा भी मिल जाता है, जो CO2 टिश्यू से आई होती है ना, इस तरीके से रफली आपको जल्दी से दिखा देते हैं. CO2 टिश्यू से आई है, वो CO2 यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करती है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बनता है, H2CO3. ठीक है, फिर ये H2CO3 का डिसोसिएशन आप देखेंगे किस किस में, HCO3 नेगेटिव एंड HIN. ओके, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर HCO3 बाहर डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आएंगे. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एरो हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं. ठीक है, तो ये जो आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं इसको आप क्लोराइड शिफ्ट कह देंगे. ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली ये जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो नेसेसरी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, तो ये इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड से, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है. ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, तो ये भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू NCERT क्लास 11 पेज नंबर 189 पर गिवन है. थैंक